गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। दोस्तों, वर्ल्ड हिस्ट्री की इस विजन आईएएस के नोट्स की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रसन्ना वर्मा आपके सामने कंटिन्यू करने जा रही हूँ इस सीरीज को, आज लेक्चर नंबर 28। और इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कम्युनिज्म को आफ्टर यूएसएसआर, साथ में चाइनीज कम्युनिज्म वर्सेस रशियन कम्युनिज्म और कई सारे और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को। तो फटाफट से चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। तो दोस्तों, जैसे कि लास्ट लेक्चर तक मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से गॉर्बाचेव ने रिज़ाइन करा अपनी पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट से क्रिसमस वाले दिन और यूएसएसआर केम टू एन एंड। अब आगे लेकर आते हैं कम्युनिज्म आफ्टर यूएसएसआर। देखिए, 1991 में जो खत्म हुआ वो कम्युनिज्म नहीं था बट स्टेरिलिज्म था। अब स्टेरिन के बारे में मैंने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में पूरी डिटेल से बता रखा है। हुआ क्या, जल्द ही रिफॉर्म्ड जो कम्युनिस्ट पार्टीज थी वो और मजबूत इमर्ज हुई। कभी कभी समटाइम्स अंडर डिफरेंट नोमर कल्चर, अलग अलग नाम के अंदर एक मल्टी पार्टी सिस्टम में, जैसे कि आपका था लिथुनिया, बुल्गेरिया, पोलैंड, रशिया और साउथ अमेरिका में। रशिया 1991 के बाद इसमें इकोनॉमिक हार्डशिप्स देखने को मिली। क्यों? क्योंकि झटका लगा था ड्यू टू द शॉक थेरेपी। येल्सन की जो मार्केट इकोनॉमी थी वो फेल कर गई शॉर्ट टर्म में, ये वाली, ये सब हम बता चुके हैं ये लोग कौन थे। हाँ, और 1995 के इलेक्शंस जो हुए थे टू द ड्यूमा, रिफॉर्म कम्युनिस्ट पार्टी अंडर ज्यूगानोव, इन्होंने कमबैक किया और बहुत सारी सीटों को जीत लिया। उसके साथ इकोनॉमिक रिकवरी की शुरुआत हुई जब आईएमएफ ने यहाँ पे इनको $10 बिलियन का लोन दिया रशिया को, ताकि कम्युनिस्ट विनिंग को रोक सकें जो 1996 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं उसमें। और येल्सिन को इलेक्ट किया गया प्रेसिडेंट के तौर पे एक छोटे से मार्जिन से। इसी के बाद रशिया में कंटिन्यू रहा कुछ हद तक सोशलिस्ट फीचर्स अपनी पॉलिसीज में। इसलिए आप ये कह सकते हो कि कम्युनिज्म अभी भी है, वो खत्म नहीं हुआ था 1991 तक। चलिए अब एक थीम समझिए पहले, तो आगे लेके चलते हूँ। देखिए, अर्ली कम्युनिस्ट पार्टी चाइना के अंदर जो थी ना, वो पूरी तरह से रशियन पॉलिटिकल फिलॉसफी पे ही चलती थी अपने शुरुआत के सालों में। हालांकि जो माओ है, इन्होंने ये रियलाइज करा कि चाइना एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ पे किसान ज्यादा है, और पीजेंट रेवोल्यूशन, इसके साथ साथ एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी, ये ज्यादा सूट करेगी चाइनीज की जरूरतों के हिसाब से। इसलिए माओ ने री इन्फोर्स करा इस उद्देश्य को चाइनीज कम्युनिज्म का टूवर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ पीजेंट रेवोल्यूशन। इन सारे डिफरेंसेस के बावजूद दोनों ही नेशंस ने एक अच्छी सिमिलर वैल्यूज को शेयर किया था 1950s तक, जब एक मेजर आइडियोलॉजिकल रिफ्ट डेवलपमेंट हुआ। और इस टाइम पे सोवियत यूनियन क्रुश्चेव, मतलब हमने इसके बारे में आपको बताया, निकिता के अंडर इन्होंने एडवोकेट किया था पीसफुल कोएग्जिस्टेंस को कैपिटलिज्म के साथ में, जिसकी वजह से कुछ सो कॉल्ड कैपिटलिस्ट फीचर्स को रशिया के कमांड इकोनॉमी में ले आया गया था। दोनों ही इन दोनों फ्रंट पे जो डॉक्ट्रिनल डिफरेंसेस थे वो आए, और ये ऐसे रहे कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने फॉर्मली डिनाउंस कर दिया सोवियत वैरायटी ऑफ कम्युनिज्म को एज अ प्रोडक्ट ऑफ रिविजनिज्म, दैट इज डेंजरस डिपार्चर फ्रॉम द टीचिंग्स ऑफ मार्क्स। ठीक है, अब हम थोड़ा आपको आगे लेके चलते हैं और अब आपको बताते हैं चाइनीज कम्युनिज्म वर्सेस रशियन कम्युनिज्म के बारे में। तो प्रॉब्लम्स चाइना की क्या थी 1949 में, पहले ये बताते हैं। देखिए भाई, चाइना जो था वो बुरी तरह से डिवास्टेड था, बेकार परेशान हो गया था एक लंबे पीरियड तक जो वॉर चल रही थी उस वजह से। वार लॉर्ड एरा की वजह से कोई डेवलपमेंट नहीं हो पाया 1916 से 28 तक, और जल्द ही ये और बढ़ गया वॉर में जापान के साथ 1931 में। तो साइमल्टेनियसली जो सिविल वॉर थी आपकी कोमिंतांग, दैट इज KMT और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में, वो बढ़ी और ये भी 1949 तक चली। जब यहाँ पे ये जो कम्युनिस्ट पार्टी थी
अंडर माओ जेडोंग ये जीत गई थी, है ना, तभी तो ताइवान वाला इश्यू आया है, या आजकल आप बहुत सुन रहे होंगे। हालांकि यहाँ पे कोई रिस्पाइट नहीं मिली वॉर से, क्योंकि चाइना फिर से इंटरफेन करने लगा कोरियन वॉर में 1950 में नॉर्थ कोरिया की साइड से। चाइना ने यहाँ पे कॉशन करा यूएस को कि आप ना करें इन्वेड नॉर्थ कोरिया को, बट इन इट्स एंथुजियाज्म टू यूनाइट द टू कोरियास। अब यूएस लेड और यूनाइटेड नेशन ने सैंक्शन जो फोर्स करी थी, उन्होंने क्रॉसओवर करा इनटू द टेरिटरी ऑफ नॉर्थ कोरिया एंड बहुत करीब आ गए चाइना बॉर्डर के। चाइना जिसे डर लग रहा था कि कहीं प्रो कैपिटलिस्ट कोरिया जो है, मतलब चाइना थ्रेटेंड था बाय द पॉसिबिलिटी ऑफ अ प्रो कैपिटलिस्ट कोरिया अपने इमीडिएट पड़ोस के देश में, पुश बैक द यूएन फोर्सेस, इसने डर के मारे यूएन फोर्सेस को पीछे धकेला। फाइनली जो फ्रंटियर था नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच में, वो रिस्टोर हो गया अपने ओरिजिनल पोजीशन पे अलोंग द 38th पैरेलल नॉर्थ, मतलब 38th पैरेलल नॉर्थ, ये एक 38 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, ठीक है। अच्छा और समझिए, चाइना जो था ये एक बहुत बड़ी इच्छा में था फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इसके बाद इसके अंदर इसके डील करना था इनएफिशिएंसी से जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर में थी, उसके साथ यहाँ का पुअर एग्रीकल्चर आउटपुट, ये लोगों की जो ज़रूरतें थी फूड सिक्योरिटी को, इतनी भारी पॉपुलेशन की वो पूरी नहीं कर पा रहा था। इसलिए यहाँ पे दो चैलेंजेस थे चाइना में, एक तो फूड शॉर्टेज का और दूसरा फूड इन्फ्लेशन का। ऑब्वियस सी बात है, दाम तो बढ़ते चले जाएंगे। अब चाइना 1949 में इसके अंदर एक इनइक्विटेबल सोसाइटी थी, जैसे मैंने बताया केएमटी मतलब ये आपका कुई मितांग ने सपोर्ट करा अमीर वाली वेल्दी लैंडलॉर्ड्स को और इंडस्ट्रीज को, और इसलिए इंडस्ट्रियलिस्ट को, और इस वजह से लैंड के जो रिफॉर्म्स थे वो पार्ट बन गए इमीडिएट एजेंडा के इस चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के। तो जो मॉडल अडॉप्ट करना चाइना ने वो सेम वही मॉडल था जैसे कि रशिया का था टिल 1958, और जो 100 फ्लावर्स कैंपेन था 1957 का, इसे लॉन्च करा माओ ने ताकि लोगों को अलाउ कर सके एक्सप्रेस करने के लिए अपने व्यूज टुवर्ड्स द सिस्टम। तो इस 100 फ्लावर्स कैंपेन के बाद माओ ने ये रियलाइज करा कि यहाँ पे बड़ा भारी मात्रा में डिसकंटेंट है जनता के बीच में, एंड इसलिए इन्होंने लॉन्च करा एक ग्रेट लीप फॉरवर्ड को 1958 में, विच देयर आफ्टर एक बेसिक प्रोग्राम बन गया सोशलिज्म का चाइना के अंदर। आइए आगे लेके चलते हूँ। तो अब आप कहेंगे कि मैम अच्छा खासा रशिया मॉडल पे जो चाइना चल रहा था वो आखिरकार क्यों शिफ्ट हुआ? इसमें माओ का बड़ा रोल है। माओ ने रशिया मॉडल को इसलिए छोड़ा क्योंकि फोकस जो हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे था वो उसके, अब इससे क्या हो रहा था ना, एक नया क्लास बन रहा था टेक्नीशियन और इंजीनियर्स का, और जो कन्फ्लिक्ट था पार्टी कैडर और इस नए क्लास ऑफ टेक्नीशियन और इंजीनियर के बीच में ये भी बढ़ रहा था। तो जो ये वर्क था पार्टी कैडर्स का वो ये था कि लोगों को मोबिलाइज करना पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली। फॉर एग्जाम्पल कलेक्टिवाइजेशन ऑफ फार्म्स, मैंने बताया था ना लास्ट लेक्चर में कि सारे लोग अपने फार्म्स को एक साथ ला के कर रहे थे काम, जबरदस्ती करा रहे थे, मतलब वॉलंटरी तो था नहीं। एंड ड्यूरिंग द लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम ये पार्टी कैडर ही था जो लैंड एविक्शन को बढ़ावा दे रहा था, कंडक्ट कर रहा था। दूसरी बात आती है 100 फ्लावर्स कैंपेन 1957 की। सरकार तो चाहती थी कि जो क्लास कन्फ्लिक्ट है चाइनीज सोसाइटी में वो खत्म हो जाए। तो हैप्पी विद द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट प्लान जो कि 1953 से 58 तक चला, इसमें सरकार ने डिसाइड करा कि हम ओपन डिस्कशन करेंगे ताकि कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाए कैडर्स और एक्सपर्ट्स के बीच में। माओ ने कहा कि चलिए जो ये 100 फ्लावर्स ब्लूम है ना, लेट 100 फ्लावर्स ब्लूम एंड 100 स्कूल ऑफ थॉट कंटेंट। इसलिए दो 100 फ्लावर्स कैंपेन में यहाँ पे इसके माध्यम से माओ ने कहा कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आए, बट इनको मिला क्या, एक अग्रेसिव वोकल क्रिटिसिज्म जो टारगेट कर रहा था इनकॉम्पिटेंस को और ओवर एंथुजियाज्म को पार्टी कैडर्स के, ओवर अनडेमोक्रेटिक कुछ क्रिटिक्स जो थे उन्होंने इवन ये भी सजेस्ट कर दिया कि एक मल्टी पार्टी सिस्टम हो जाए। तो इसकी वजह से रिजल्ट ये निकला कि माओ का जो ये माओ ने कहा कि भैया देखो कैंपेन को इमिजिएटली हटाओ, और ये क्रिटिक्स वगैरह को दबा दिया, और 100 फ्लावर कैंपेन ने शो करा कि किस तरीके से, हाउ मच ऑपोजिशन
अभी भी अगेंस्ट है इस कम्युनिज्म के, है ना। अभी वही वाली बात है, किसी को दबा के रखो कुछ नहीं होगा, जैसे ही उससे कहोगे चलो अच्छा अपने अपने मुंह खोलो, तो वो अपनी बातें कहेंगे ना जो भी उनके अंदर जहर भरा होगा, समझे। इसलिए इन्होंने ये रशियन मॉडल को छोड़ा और लॉन्च करा ग्रेट लीप फॉरवर्ड को 1958 में, ताकि ये रेवोल्यूशन को प्रोटेक्ट करें और ये जो एडवांसेस हैं सोशलिज्म के उसे और कंसोलिडेट करें। अब कुछ डिफरेंसेस मैं आपको बताना चाहती हूँ रशियन मॉडल और चाइनीज मॉडल ऑफ कम्युनिज्म के बीच में, उसे गौर से समझिएगा। पहला, इनोवेशन ऑफ कम्युन्स, ये एक स्पेसिफिक था सिर्फ चाइना के लिए। कम्युन्स क्या? कम्युन्स वॉज मच मोर देन एग्लोमरेशन ऑफ कलेक्टिव फार्म्स, ठीक है। पहले सारे कलेक्टिव फार्म्स का सीन था ना, उससे ज़्यादा थे। इन्होंने ये एक यूनिट के तौर पे एक्ट करते थे, लोकल सेल्फ गवर्नेंस की वेलफेयर सर्विसेज प्रोवाइड करते थे और अलाउ करते थे पार्टी को कि वो जनता के साथ टच में रहें। दूसरा, लेस फोकस हैवी इंडस्ट्रीज पे, ये जो है इसने फोकस और बढ़ाया बेसिक कंज्यूमर गुड्स पे, और इसने बेसिक जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें थीं आम आदमी की उसे ध्यान दिया और प्रिवेंट करा शॉर्टेज को डेली लाइफ गुड्स की बाय कीपिंग इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल। रशिया दूसरी तरफ आप जानते ही हैं, अभी मैंने लास्ट लेक्चर में बताया है कि कितनी शॉर्टेज हो गई थी बेसिक कंज्यूमर गुड्स की वहाँ पर। तीसरा है डिसेंट्रलाइज इंडस्ट्रियलाइजेशन इंस्टेड ऑफ सेंट्रलाइज इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसका फोकस था कि भाई यही फोकस था ग्रेट लीप फॉरवर्ड का। माओ ने कहा करीब 6 लाख बैकयार्ड स्टील फर्नेसेस को भी ऑर्गेनाइज और मैनेज करा जाए कम्युन्स के द्वारा, और यहाँ पे बहुत ही छोटी फैक्ट्रीज भी थी जो प्रोवाइड करी फार्म मशीनरी को। दीज वॉर मच स्मॉलर फैक्ट्रीज टू प्रोवाइड फार्म मशीनरी। उसके साथ फोकस डेवलप करने पे एक एग्रीकल्चर सेंटर्ड इकोनॉमी को रैदर दैन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। तो माओ ने इस ग्रेट लीफ फॉरवर्ड के अंदर डिसाइड करा कि चाइना अब एक मेनली एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी है जिसमें छोटे छोटा इंडस्ट्रीज हैं जो फैली हुई हैं पूरे देश में। साथ में इंडस्ट्रीज जो हैं वो भी लेबर इंटेंसिव हैं जिसमें मशीन्स पे इनकी कम डिपेंडेंस है, तो इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो प्रिवेंट रहा, जो कि बेसिक फीचर था हाईली इंडस्ट्रियलाइज वेस्टर्न इकोनॉमी का, एंड वॉज थॉट टू बी द बेस्ट स्ट्रैटेजी मानी जाती है जिससे इतनी भारी मात्रा 600 मिलियन पॉपुलेशन की इन्हें रोजगार वगैरह सब कुछ मिल रखा था और सबसे सही था। एग्रीकल्चर इकोनॉमी ने लोगों को भी अलाउ करा कि अपनी पोजीशन जो है अच्छी हो, खासकर औरतों की। तो ये तो हमने बात करी डिफरेंसेस की। अब आप कहेंगे कि मैम कुछ अच्छी सिमिलैरिटी भी तो रही थी ना, तभी तो ये लोग रशियन मॉडल को फॉलो करते थे। तो जी हाँ बिल्कुल, क्या सिमिलैरिटी रही थी विद द रशियन मॉडल टिल 1958 वो आपको बताती हूँ। दोस्तों फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो आया था उसे ड्राफ्ट किया गया था रशियन एडवाइजर्स की मदद से। रशिया ने एड भी दी थी चाइना को अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाने के लिए। रशियन मॉडल की तरह ही फर्स्ट प्लान फोकस करता था इनका हैवी इंडस्ट्रीज पे, और इनका बहुत ही कम फोकस था प्रोड्यूस करने को लेके कंज्यूमर गुड्स को। अब आपको मेरा लास्ट वाला लेक्चर याद आ रहा होगा। चाइना ने भी यूएसएसआर की तरह ही एक कमांड इकोनॉमी मॉडल को अडॉप्ट करा, पंचवर्षीय योजना को अडॉप्ट करके, 5 ईयर प्लान को अडॉप्ट करके। इसलिए रशिया की तरह ही चाइना ने भी अडॉप्ट करा एक सेंट्रलाइज इकोनॉमिक प्लानिंग को। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और रशिया लाइक एग्रीकल्चरल चेंजेस की बात करते हैं 1950 से 1956 तक। ये क्या रहे? देखिए चाइना ने भी फॉलो करा 2-स्टेज लैंड रिफॉर्म्स को। पहले में इन्होंने इंट्रोड्यूस करा एक ऐसा प्रोग्राम जो कि लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन को लेके था अमंग द पीजेंट्स। इसमें कुछ वायलेंस का यूज था इम्प्लीमेंटेशन को लेके, क्योंकि वेल्दी फार्मर्स तो अपोज कर रहे थे ना कि इनकी ज़मीन को हम नहीं जब्त करने देंगे। और दूसरा, कोऑपरेटिव्स को भी इंट्रोड्यूस किया गया। अब ये जो कोऑपरेटिव्स बना ना कि सारे लोगों अपनी अपनी छोटी छोटी लैंड होल्डिंग्स को एक साथ लाइए और एक कलेक्टिव फार्म बनाइए, बट चाइना का जो ये अडॉप्टेड मेथड था पर्सुएशन का था रादर देन वायलेंट मेथड जो कि रशिया में यूज होता था। हर एक कोऑपरेटिव जो पीजेंट का था इसमें ग्रुप करीब 100 से लेकर 300 फैमिलीज का था, जिसमें ओनरशिप ये एक साथ फार्म्स की लेकर आते थे, ज्वाइन करते थे और इनके इक्विपमेंट्स को भी एक साथ लाते थे।
1956 तक करीब 95% चाइनीज पीजेंट्स तो पार्ट थे कोऑपरेटिव्स के। आगे बढ़ते हैं और रशिया लाइक इंडस्ट्रियल चेंजेस की भी बात करते हैं। दोस्तों इनके जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान थे, यहाँ पे देखते चलिए, मैंने हर टॉपिक को अलग लिखा है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में चाइना ने नेशनलाइज कर दिया अपना ज़्यादातर बिजनेस एंड साथ में रशिया ने भी एक भारी मात्रा में इन्वेस्टमेंट किया हैवी इंडस्ट्रीज पे, जैसे कि कोल पे, स्टील पे, आयरन वगैरह पे। रिजल्ट जो फर्स्ट प्लान का था वो अच्छा था क्योंकि इंडस्ट्रीज 120% से ज़्यादा बढ़ गई थी अपने टारगेट से। चाइना की इकोनॉमी इम्प्रूव होने लगी, सारे कम्युनिकेशंस को रीस्टोर करा गया और इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गया। बट यहाँ पे कुछ एसोसिएटेड इसके साथ नेगेटिव चीज़ें भी थी। सरकार को क्रिटिसाइज करा जा रहा था उसकी पॉलिसीज के लिए लोगों के द्वारा ड्यूरिंग द 100 फ्लावर कैंपेन ऑफ 1957। इसलिए माओ को डाउट था कि अगर स्पेशल फोकस हम हैवी इंडस्ट्रीज पर डालेंगे तो ये क्या अच्छा होगा चाइना के लिए। साथ में जब माओ ने अक्यूज करा रशिया को फॉर और रशिया ऑफ रिविजनिज्म को, एक डेंजरस डिपार्चर था ना फ्रॉम द टीचिंग ऑफ मार्क्स, तो इससे यहाँ पे इसने जो एड मिल रही थी चाइना को वो भी कम हो गई। रादर देयर आफ्टर जो रिश्ते थे यूएसएसआर और चाइना के बीच में वो भी खराब होने लगे। चाइना अब रिप्लेस करना चाहता था यूएसएसआर को एज द लीडर ऑफ ग्लोबल सोशलिस्ट स्कैम के तौर पर। अब आगे बढ़ते हैं, डिफरेंसेस क्या रहे विद रशियन अप्रोच अंडर क्रुश्चेव, है ना, इनके बारे में मैंने बताया निकिता। देखिए एक एक करके समझते हैं। पहला डिफरेंस, तो माओ तो देखिए अगेंस्ट थे पॉलिसी ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के वेस्ट के साथ में, और जो ये जो निकिता लेकर आए थे अपनी 1956 की स्पीच में, ये अगेंस्ट थे कैपिटलिस्ट मेजर का यूज करने को लेके भी बाय यूएसएसआर, और आर्ग्यू करा कि यूएसएसआर एक सॉफ्ट बन रहा है कैपिटलिज्म को लेके। माओ अगेंस्ट थे कैपिटलिस्ट की इस रोड को फॉलो करने को लेके बाय रशिया। फॉर एग्जाम्पल रशिया ने इस क्रुश्चेव के अंदर फेवर करा था कि क्रिएशन हो एक एक्सपर्ट का और टेक्निकली सुपीरियर मैनेजरियल क्लास का जो कि फैक्ट्रीज को मैनेज करेगा। ये बात माओ के अकॉर्डिंग, इससे एक इनइक्वालिटी क्रिएट होती क्लासेस के बीच में और वर्कर्स के बीच में फैक्ट्रीज के अंदर। माओ अगेंस्ट थे किसी भी तरह के डिफरेंशियल पीस वेज रेट को लेके, परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव को लेके और प्राइवेट ओनरशिप को लेके लैंड की। हालांकि ये टोटली अगेंस्ट नहीं थे कि छोटे छोटे प्राइवेट प्लॉट्स हों फार्मर्स के लिए। अच्छा, माओ के हिसाब से जो रशिया है वो अपने बेसिक टेनेंट्स को मॉडिफाई कर रहा है या आइडियाज़ को मार्क्स के मॉडिफाई कर रहा है लेनिन के, दैट इज़ कम्युनिज्म को अपनी खुद की ज़रूरतों को उसके हिसाब से। और माओ फेवर में थे एक वायलेंट रेवोल्यूशन आए जिससे कम्युनिज्म को हम पा सकें, ना कि पीसफुल कोएग्जिस्टेंस हो विद द कैपिटलिज्म। दूसरी बात आती है ग्रेट लीव फॉरवर्ड 1958 की। तो माओज़म ने मैनिफेस्टेट किया इन द फॉर्म ऑफ ग्रेट लीव फॉरवर्ड, जिसे माओ की ने आगे बढ़ाया था आफ्टर द क्रिटिसिज्म जो उन्होंने फेस किया था ड्यूरिंग द 100 फ्लावर कैंपेन। 100 फ्लावर कैंपेन की जो शुरुआत हुई इससे लोगों को यहाँ पे अलाउ करा गया टू इलिसिट देयर व्यूज, दिखाइए अपने व्यूज आइए। लेकिन बहुत सारे लोग जैसे मैंने बताया क्रिटिसाइज करने लगे पार्टी को ही और कहने लगे हमको तो डेमोक्रेसी चाहिए। माओ को समझ में आ गया कि अब ऐसे कदम उठाओ जिससे कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन को प्रोटेक्ट करो और इकोनॉमिक्स प्रॉस्पेरिटी को आम आदमी की और बढ़ाओ, ताकि उनका और ज़्यादा बढ़ावा हो इस कम्युनिज्म में। मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन चाइना के अंदर ये किसान थी, पीजेंट थी, इसलिए एक लीव फॉरवर्ड का एम था फोकस करना ज़्यादा एग्रीकल्चर की ग्रोथ पे बिना इंडस्ट्रियल ग्रोथ को पीछे छोड़े एंड साथ में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन को सेव भी करना। विद अ ग्रेट लीव फॉरवर्ड चाइनीज कम्युनिज्म अब ये रशियन मॉडल से और हटते जा रहे थे। इसी के साथ ये जो ग्रेट लीव फॉरवर्ड GLF इसे बोलेंगे, ठीक है, इसने इम्प्लाई करा कि चाइना फोकस करेगा कि अब उसकी ज़्यादा एग्रीकल्चर इकोनॉमी है धीमे और विद धीमे धीमे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। इसकी वजह से इसने ये डिज़ायर करा कि लेबर इंटेंसिव इकोनॉमी हो और जो मशीनरी का यूज़ हो वो कम हो जाए इन द फैक्ट्रीज, सो ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट है वो प्रोवाइड करा जाए जनता को। साथ में जो मॉडल था इंडस्ट्रियलाइजेशन का उसे फॉलो करा जाए
जो वॉच ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वाला फॉलो करा जाए जो कि देश भर में फैली हैं, रैदर देन हैवी इंडस्ट्रीज पे फोकस करना जो कि कुछ जगहों पे ही हैं। अब ये GLF है ना, इसके अंदर कुछ इसमें इंक्लूड करता था इनोवेशन कॉम्यून्स का, जैसे मैंने आपको भी पीछे बताया है। एम ये था कि हम प्रिवेंशन करें ओवर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को, जिसकी वजह से कोई इनिशिएटिव आगे नहीं हो पाता यूजिंग। तो ऐसे करेंगे, कैसे करेंगे ओवर सेंट्रलाइजेशन को प्रिवेंट? कम्यून्स के माध्यम से। कम्यून एक यूनिट थी जो कि कलेक्टिव फार्म से बड़ी थी, इसके अंदर अलग अलग कलेक्टिव फार्म्स थे और हर एक कलेक्टिव फार्म के अंदर करीब 100 से 300 पीजेंट्स की फैमिलीज होती थी। इसलिए एक जो कम्यून था इसके अंदर लोग ऐसे थे करीब 30,000 से 75,000, मतलब 30,000 से 75,000 नहीं, और हर एक कम्यून के अंदर अपने खुद के फोल्ड पीजेंट्स थे, कुछ बूढ़े लोग थे, औरतें, बच्चे, वर्कर्स और साइंस टीम भी थी जिसमें करीब 30 से 40 ग्रेजुएट और 30 से 40 टेक्नीशियंस भी थे। उसके अलावा कम्यून्स सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं है एग्लोमिनेशन ऑफ फार्म्स का, बट ये एक इंस्टीट्यूशन के तौर पे काम करते थे, एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के तौर पे। ये पॉइंट यहाँ पे आप पालेंगे। कम्यून जो थे वो यहाँ पे काम करते थे प्लानिंग का और इम्प्लीमेंट करने का छोटे छोटे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को, जैसे डैम हो गया, इरिगेशन प्रोजेक्ट हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया रोड्स का एज पर द लोकल नीड्स। ये अपनी खुद की फैक्ट्रीज चलाते थे, मॉडल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का देश के अंदर ना, इन द फॉर्म ऑफ बैकयार्ड स्टील फर्नेसेस। माओ ने ये भी करा कि हम 6 लाख बैकयार्ड स्टील फर्नेसेस को सेटअप करेंगे, इसका मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज को, ताकि फार्म इक्विपमेंट मिल सके इन कम्यून फार्म्स को। रोल इन प्रोविजन ऑफ सोशल सर्विसेज, ये अगर मैं आपको बताऊं तो कम्यून जो है वो स्कूल्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, क्रच वगैरह चलाते थे ताकि बेसिक सर्विसेज दे सकें कम्यून के मेंबर्स को और मदद कर सकें एडुकेशन को प्रोवाइड करने में, एक अच्छी प्रोग्राम को प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज देने में, बेटर अपॉर्चुनिटीज देने में औरतों के लिए एंड प्रोवाइड करने में दूसरे वेलफेयर सर्विसेज को। इसके अलावा जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था विद इन कम्यून, इसके अंदर एक इलेक्टेड काउंसिल थे, ब्रिगेड थे, वर्क टीम थी। दूसरे शब्दों में समझिए, लोग जो इस कम्यून के अंदर थे वो ऑर्गेनाइज थे किसमें? ब्रिगेड्स में और वर्क टीम्स में, एक इलेक्टेड काउंसिल के साथ। क्लियर? अब इवैल्यूएशन आइए करते हैं इस ग्रेट लीप फॉरवर्ड का, है ना, इसमें बढ़ेंगे लेकिन पहले इवैल्यूएशन करते हैं इस ग्रेट लीप फॉरवर्ड का। दोस्तों लोग जो है उन्होंने बहुत मुश्किल को फेस करा शॉर्ट टर्म में, बट ये डेफिनेटली इसने चाइना को लॉन्ग टर्म में काफ़ी बेनिफिट दिया। यहाँ पे प्रॉब्लम रही शॉर्ट टर्म में क्योंकि इनएक्सपीरियंस था पार्टी कैडर्स का इस काम को करने में जो इन्हें ये दिया गया था। साथ में यहाँ पे बहुत सारे हार्वेस्ट रहे 1959 से 61 तक, उसके अलावा मतलब बेकार बैड हार्वेस्ट रहे, ठीक है। और जो विड्रॉल था रशियन एड का 1956 के बाद, इसकी वजह से इकोनॉमिक हार्डशिप भी आई जो चाइना ने 1959 से 63 तक फेस करी। करीब 20 मिलियन लोग मर गए पहले ही क्योंकि इतना ज़्यादा GLF ने हार्डशिप्स क्रिएट कर दी थी। साथ में ऑपोजिशन भी था माओ का, वो भी बढ़ा। लेकिन लॉन्ग टर्म में इसने एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन दिया चाइना को, एफर्ट्स अब अपने जो बेनिफिट्स थे वो यहाँ दिखने लगे थे, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ने लगा था लॉन्ग टर्म में। GLF अपने इनोवेशंस ऑफ कम्यून के माध्यम से इन्होंने ओवर सेंट्रलाइजेशन को रोका और कम्यून्स अब ज़्यादा सिंपल टूल बन गए थे कलेक्टिव फार्मिंग के लिए। इन्होंने अलाउ करा था पार्टिसिपेशन हो मासेस का लोकल गवर्नेंस में और इससे और अच्छे इनके दुख दर्द को दूर किया जाए। ये एक एफिशिएंट यूनिट के तौर पे हो रहे थे जिन्होंने चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को अलाउ करा कि वो एक टच में रह सकें लोकल ओपिनियन के और एस्पिरेशंस के लोगों की। GLF वो अब अनएम्प्लॉयमेंट को भी देख रहा था क्योंकि अलग अलग जगह था, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रियल मॉडल था। साथ में एडुकेशन का इम्प्रूव्ड स्टेटस, औरतों का अच्छी लाइफ सर्विसेज, वेलफेयर सर्विसेज, ये सब कुछ बेसिक बेनिफिट्स मिले GLF के अंदर। आइए और इस लेक्चर के लास्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, दैट इज कल्चरल रेवोल्यूशन 1966 से 69 तक। इसे हम लोग दोस्तों ग्रेट प्लोरिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। ये काफ़ी बड़ा प्रोपोगंडा कैंपेन था जिसे माओ ने लॉन्च करा रेवोल्यूशनरी फेवर को
और फेवरल को और बढ़ाने के लिए इन द क्वेस्ट फॉर सेविंग द कम्युनिस्ट रेवल्यूशन और पब्लिक का सपोर्ट और बढ़ाने के लिए इन द फेवर ऑफ ग्रेट लीप फॉरवर्ड, और ताकि यहाँ पे ग्रेट लीप फॉरवर्ड को रख सकें ऑन प्योर मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट लाइन पे। आइए समझते हैं चीज़ों के बारे में। पहली बात आती है टू प्रोटेक्ट द कम्युनिस्ट रेवल्यूशन एंड टू कीप GLF ऑन मार्क्सिस्ट लाइन्स। देखिए, ये माओ का अटेम्प्ट था कि हम कम्युनिस्ट रेवल्यूशन को सेव करें जो कि खतरे में है राइट विंग लीडर्स के विद इन द कम्युनिस्ट पार्टी, जो कहते हैं कि भैया कैपिटलिस्ट फीचर्स आने चाहिए अलॉन्ग द रशियन लाइन्स। ठीक है, इसलिए कल्चर रेवल्यूशन का एम ये था कि हम राइट विंग लीडर्स को यहाँ पे जो है वो काउंटर करें, जो चाहते हैं कि इंसेंटिव्स और ज़्यादा इंट्रोड्यूस हों, जैसे कि ग्रेट वेज डिफरेंशियल्स एंड बड़ा भारी मात्रा में लार्जर प्लॉट्स हों फार्मर्स के लिए, जिनको ऐसा लगा कि ये ज़रूरी है इम्प्रूव करने के लिए एफिशिएंसी को कम्यून्स के। इन्होंने ये भी आर्ग्यू करा कि हम एक एक्सपर्ट मैनेजरियल क्लास बनाएंगे रशियन लाइन्स पे, जो कि एक और बढ़ावा देगा हैवी इंडस्ट्री को इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन इनएक्सपीरियंस पार्टी कैडियर्स। डिबेट कि 100 फ्लावर कैंपेन का एम है रिजॉल्व करना, वो ऑब्वियसली बढ़ती रही, बट जो मेजर्स लिए गए उसमें ये था कि भाई कैपिटलिस्ट रोड अडॉप्ट जो करी गई थी वो निकिता के द्वारा USSR के अंदर, जिसमें माओ ने क्रिटिसाइज करा था एज रिविजनिज्म, ये तो डिबेट चलती रही थी। तो माओ के हिसाब से ऐसी अप्रोच से सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा क्लास बनेगा जो वेल्दी पीजेंट्स का होगा, और मैनेजर्स जो है वो जल्दी एक्सप्लॉइट करेगा ये दूसरों को, वीकर सेक्शंस को, और इससे इफेक्टिवली ये कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन को एंड कर देगा। दूसरी बात, टू गार्नर सपोर्ट फॉर ग्रेट लीप फॉरवर्ड। माओ के माओ के जो एक्सपेरिमेंट थे ग्रेट लीप फॉरवर्ड का, इसे कैरेक्टराइज करा गया बाय हार्डशिप इन द शॉर्ट टर्म, एंड अपने अर्ली फेज में 1959 से 63 तक जो GLF है वो अभी भी अपना रिजल्ट दिखाने वाला था। इसलिए जो ऑपोजिशन था इस माओ को लेके वो और बढ़ रहा था इस पार्टी के अंदर, एंड यहाँ पे बहुत बड़ी डिबेट चल रही थी ओवर द GLF, एंड बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि कैपिटलिस्ट मेजर्स को ले आना चाहिए। इसलिए माओ को एक प्रोपोगंडा प्रोग्राम चाहिए था ताकि पब्लिक का सपोर्ट अपने प्रोग्राम जो GLF वाला है इसको लेके और बढ़ा सकें। तीसरी बात आती है फीचर्स ऑफ कल्चर रेवोल्यूशन की। माओ ने अपनी कैपेसिटी में एज चेयरमैन ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी लॉन्च किया था कल्चर रेवोल्यूशन को 1966 में। माओ के सपोर्टर्स जो थे वो रेड गार्ड थे, मतलब ज़्यादातर स्टूडेंट्स थे जो अपनी जॉब जो उन्होंने रिसेंटली अपने कॉलेज को और स्कूल्स को क्विट करा था माओ के कल्चर रेवोल्यूशन के सपोर्ट में। इन्होंने पूरे ही लेंथ और ब्रेथ में चाइना के यहाँ पर टूर करा, ये कहा पूरा माओ का केस प्रॉपर आर्ग्यू करते रहे, सबको समझाते रहे, और कल्चर रेवोल्यूशन के टाइम पे फोर ओल्ड्स को क्रिटिसाइज करा गया, जैसे कि ओल्ड कल्चर, ओल्ड हैबिट्स, ओल्ड आइडियाज़ और ओल्ड कस्टम को, ये फोर ओल्ड्स हैं। ठीक है, याद करिएगा, ओल्ड कल्चर, ओल्ड हैबिट, ओल्ड आइडिया और ओल्ड कस्टम। साथ में इंटेलेक्चुअल्स को भेजा गया कंट्री साइड में समझने के लिए रूरल लाइफ को और चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज को जो ये ऑफर करता है। चौथी बात, क्रिटिसिज्म कल्चरल रेवोल्यूशन का। दोस्तों, कल्चरल रेवोल्यूशन एक वजह लेकर आया सर्टेन डिग्री ऑफ काओस की, और सिविल वॉर लाइक सिचुएशन डेवलप हो गई चाइना के अंदर। शुरुआत में तो रेड गार्ड्स जो मैंने बताया ज़्यादातर स्टूडेंट्स थे, इन्होंने टारगेट करा अपने वायलेंस को अगेंस्ट क्रिटिक्स ऑफ माउस, बट जल्द ही इनका जो इतनी उत्साहिकता थी, एंथुजियाज्म था, तो ये किसी को भी अटैक करने लगे, इवन सबको ही अटैक करने लगे, टीचर्स, प्रोफेशनल्स, लोकल पार्टी ऑफिशियल, सबको टारगेट करने लगे। और एक बार जो स्टूडेंट का मास इकट्ठा होता और बढ़ता, बड़ा मुश्किल हो जाता इनको कंट्रोल करना। इन फेमस गैंग ऑफ फोर, जिसके अंदर इम्पॉर्टेंट लीडर और माओ की वाइफ थे, ये रिस्पॉन्सिबल थे बढ़ावा देने के लिए माओ के सपोर्टर्स को कि आप इस तरह की हरकतें करिए। ये कहा जाता है कि जो गैंग ऑफ फोर था वो ज़्यादातर माओस्ट थे देन माओस्ट हिमसेल्फ। ठीक है, माओ खुद छोड़ो, बाकी सारे माउस थे। बहुत सारी जिंदगियां बर्बाद हुई, भारी मात्रा में मुसीबत क्रिएट हो गई, मिलियंस ऑफ लोगों को हैरस करा गया और बर्बाद कर दिया गया। एक साल के भीतर ही, दैट इज 1967 तक, एक्सट्रीमिस्ट जो थे रेड गार्ड्स के बीच में वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, एंड माओ को भैया आर्मी बुलानी पड़ी, विच बॉट द सिचुएशन अंडर कंट्रोल।
माओ को ब्लेम मतलब माओ ने ब्लेम करा रेड गार्ड के लीडर्स को और डिफेंस मिनिस्टर को इस सिचुएशन के लिए जो आउट ऑफ कंट्रोल हुई थी, और कॉन्सिक्वेंटली बहुत सारे रेड गार्ड लीडर्स अब कोशिश कर रहे थे और एग्जीक्यूट कर रहे थे कमिट करने के लिए इन सारी चीज़ों को। 1969 में दोस्तों कल्चर रेवोल्यूशन फॉर्मली ख़त्म हो गया विद माओ बीइंग क्लियर्ड ऑफ ऑल ब्लेम, ठीक है, सब इल्जाम अंजाम हट गए। फिर बात करते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या रहा आखिरी में कल्चर रेवोल्यूशन का। दोस्तों इवन दो कल्चर रेवोल्यूशन ये इसने इकोनॉमिक ग्रोथ को रखा बाय अप्रोक्सीमेटली 10 ईयर्स, लेकिन कुछ इकोनॉमिक रिकवरी भी हुई मिड 1970s में। अब यहाँ पे अगर हम कहें तो बाय द टाइम ऑफ माओज डेथ जो कि 1976 में हुई है, चाइना इकोनॉमिक रिकवरी करने लगा था। क्या क्यों, देखिए फोकस थैंक्स टू फोकस ऑन लाइट इंडस्ट्री, कंज्यूमर गुड्स अब शॉर्टेज में नहीं थे जैसे कि रशिया में हो रहे थे, एक हाई परसेंटेज पॉपुलेशन का वो गांव में रहता था और इनकी पॉपुलेशन एज वेल एज एजुकेटेड स्किल्ड और वेल ऑर्गेनाइज थी इन द फॉर्म ऑफ कॉम्यून्स जिनके बारे में मैंने आपको बताया। उसके अलावा यहाँ पे कोई फेमीन नहीं आया चाइना में, ग्रेन का प्रोडक्शन अच्छा रहा एटलीस्ट पॉपुलेशन की ग्रोथ के हिसाब से तो रहा, तो फूड सिक्योरिटी की दिक्कत नहीं थी। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट 3 गुना बढ़ गया चाइना के स्टील प्रोडक्शन में और एक अच्छा फाउंडेशन रखा गया, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पेट्रोलियम इंडस्ट्री आई। चाइना अब मशीन बिल्डिंग इंडस्ट्री बना रहा था एकदम शुरुआत से, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से एक बेस मिला चाइना को कि वो एक न्यूक्लियर पावर बन सके। दोस्तों यहीं तक हम अपना लेक्चर रखते हैं, आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बताइए। अच्छा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब, इन वीडियो को आप देख सकते हो फेसबुक पे भी, साथ में इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे, आपको टेलीग्राम पे PDF और इंस्टाग्राम टेलीग्राम दोनों पे ही आपको MCQs वगैरह मिल जाएंगे। इसके अलावा आप मेरे चैनल को ज्वाइन करके पर्क्स एंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ साथ वर्चुअल लाइब्रेरी के नाम का एक कॉन्सेप्ट मैंने बहुत अच्छा लॉन्च करा है, आप उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं, हर चीज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डू गो एंड फॉलो मी एवरीवेयर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कम्युनिज्म इन चाइना आफ्टर माओज डेथ इन 1976। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।